स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। योगी आदित्यनाथ से मिले शिवपाल, लगने लगी सियासी अटकलें। उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी पर राहुल ने कहा ये किसानों के लिए आंशिक राहत। राज्यसभा में विपक्ष की मांग ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से ही हो चुनाव। पुंछ में पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, नियंत्रण रेखा चौकियों पर की गोलीबारी। सुषमा स्वराज ने लोकसभा में कहा पूरा कश्मीर भारत का, इसे लेकर कोई संदेह न करे। मिट्टी घोटाले पर अपने बयान पर कायम, मुकदमे की धमकी से डरने वाला नहीं, कहा सुशील मोदी ने। उत्तर प्रदेश के खतौली में बाइक सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने की भाजपा नेता राजा वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या। तीन तलाक पर बयान देने के बाद जेनुअल आबेदीन को दरगाह दीवान से हटाया। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया, उत्तर कोरिया और जापान नाराज। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण के बाद दी चेतावनी, खुले हैं सभी विकल्प। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के बाद बंद। पप्पू यादव को हथकड़ी लगाने का मामला लोकसभा में गूंजा। पाकिस्तान के लाहौर में आत्मघाती हमला, 6 मरे 18 घायल। सिद्धार्थनगर में थानेदार से बदसलूकी के आरोप में 6 पुलिसकर्मी निलंबित। सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी बोले आधार डाटा पूर्णतः सुरक्षित, कोई लीकेज नहीं। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। और ताजा तरीन जानकारी एवं खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com का।